रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में आओ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं उषा धुर्वे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो फाइनली ये निशिगंधा का यानी सिंगल पेटल का जो प्लांट है, जो फ्लावर्स है, वो खिल गया है। तो बहुत ही देखने की मुझे इतनी उत्सुकता थी कि कैसे फ्लावर होगा, और पिंक कभी देखा नहीं है। यानी वाइट तो हमने डबल वाला वगैरह सब देखे कलर, लेकिन पिंक और इसके जो शेड होते हैं वो कभी नहीं दिखे रियल में, पिक्चर में तो देखे हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर खिला है और इतनी खुशी मुझे हुई है आज कि देखिए मेरे मन से गाना निकल गया। और कुछ मैं सिंगर तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, तो दो चार लाइनें वही मैंने आपको सुनाई है। तो आपका ये मेरा गाना कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे कुछ लग गया होगा, और इसकी जो ये ब्रांच है यहाँ से टूट गई। और देखिए इतनी सारी कलियों के लिए हमें इतना इंतज़ार करना पड़ा, और बाद में देखिए ये उसके पहले दिन की ये फ़ोटोज़ है और वीडियोज़ है। तो देखिए यहाँ में इतनी अच्छे से ये फ्लावर्स तैयार हो रहे थे, लेकिन कुछ काम करते वक्त सीढ़ियों का काम चल रहा था तो वो टूट गए। और ये मेरा शायद हार्ट थ्रोब या पिंक ऑक्टोपस है, ऐसा करके रेन लिली खिला है जो अलग अलग खिलते रहते हैं। और ये रोजिया, अभी मुझे इनके नाम बहुत ज़्यादा नहीं याद है कुछ। और ये किंग राइजोम, रैंजम या राइजोन कुछ ऐसा है। और ये देखिए ये याति चंद्रा, इसका येलो कलर होता है और बाद में देखिए इसका शेड पूरा बदल जाता है। तो इसको चार दिन हो गए हैं, इस यानी पानी शुरू है इसलिए वजह से। और ये देखिए येलो हमारी जो देसी येलो रेन लिली है उसके देखिए कितने सारे सीड्स तैयार हुए हैं, और बाकी जो वेराइटी होती है उनमें भी सीड्स देखिए, हर एक में सीड स्पॉट आपको दिख रहा है। और ये है कुछ प्यारा सा पर्स लेन जो अभी मेरे पूरी बगिया को इन्होंने सजाया है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पर्सलेन ही पर्सलेन खिले हुए हैं। तो ये सारे मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी, और इसके इतने सारे कलर और इतने प्यारे प्यारे कलर खिले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बहुत दिनों से हो गए हैं ये कलर मुझे दिख नहीं रहे थे, यानी पूरे सीज़न ये यानी समर के सीज़न में खिलते, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत निराश किया था। लेकिन अब जो खिल रहे हैं तो वो सारी शिकायतें दूर हो गई हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर खिले हैं। ये कुछ पर्सलेन है, देखिए ये अलग वैरायटी है, एक नया कलर है, और इसमें बहुत सारे खिले हैं। और ये ऑरेंज, और इस तरह से कुछ कटिंग्स मैंने लगाई है। और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा कलर खिला है, और यहाँ पर सारे एक ही इसमें मैंने पूरे लगा दिए हैं। और ये कुछ मॉस रोज की वेराइटी है, उसमें ये ग्रैंडी फ्लोरा करके होता है वो कलर है। और यहाँ पे सारे पिंक शेड में कुछ बड़े से पॉट में लगाए हैं, कुछ देखिए स्क्वायर में लगाए हैं, और कुछ राउंड शेप में लगाए हैं। और यहाँ पे ये है चित्रक का प्लांट, जिसके मैंने जो भी बर्ड्स थे मुरझाई हुई वो निकाल दी थी, और फिर से देखिए इसमें बहुत सारे कलियाँ खिली हैं। और ये मेरा आइस फ्लावर, जिसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो लेकिन ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा क्योंकि धूप में इसके पूरे पत्ते जल गए थे, लेकिन फिर भी फ्लावर खिल रहे, तो मैंने इसे यानी इसकी कटिंग नहीं की। और ये है देखिए टिकोमा का प्लांट, तो इसकी मैंने एक पिंक कलर में जो ब्रांच होती है वो लगा दी है, तो देखते हैं वो लगती है या नहीं। टिकोमा में भी बहुत सारे कलर होते हैं, तो पहले तो एक ही मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है, बाद में देखूंगी जैसे जैसे कलर मिलते जाएंगे तो वैसे मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ से कुछ ऐसा है, और ये देखिए बहुत ही प्यारा खिला है ये पर्सलेन, इसका कलर शेड देखिए, और अपने आप इसमें कलर मिक्स होते रहते हैं। और देखिए ये सिर्फ पिंक और कुछ लेमन कलर का था, लेकिन अलग अलग फूल, हर एक फूल आपको अलग अलग दिख रहा है। और ये कुछ नया सा, तो इस तरह से ये सारे प्लांट मेरे पर्सलेन, मॉस रोज सभी के मिक्स है। तो ऐसे सारी वैरायटी और सिंड्रेला वैरायटी अभी मेरी खिलने की बाकी है, तो वो जब ये खिलेगी और बाकी सारे जब कलर खिलेंगे तो बहुत ही प्यारा ये गार्डन लगेगा, जो आपको भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से देखिए ये सारे मेरे पर्सलेन, तो हर बार कैमरा मेरा यहाँ पर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स खिले हैं, और जैसे ही ये मुरझाई हुई बर्ड कलियाँ होती है, फूल होते हैं, तो वो आप निकाल लें क्योंकि इसकी वजह से ही प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। और ये देखिए मैंने एक बड़े से मटका जो होता है तो उसी को काट कर मैंने इसका पॉट बनाया है।
ये देखिए एक ही पॉट में बहुत सारे कलर मैंने लगा दिए थे क्योंकि ये प्लांट मेरा कुछ ख़राब सा हो रहा था, तो छोटी सी जो ब्रांच थी तो इसकी मैंने देखिए 5-6 कलर एक ही इसमें लगा दिए, तो वो सारे देखिए बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन पॉट का जो प्लांट है वो थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, लेकिन इसकी ये ग्रीन बहुत ही हेल्दी और अच्छी कटिंग मेरी तैयार हुई है। और ये एक ग्रैंडीफ्लोरा जो मैंने आपको फ्लावर्स दिखाया था मॉस रोज़ में, तो ये एक वाइट है, ऐसे 4 कलर है। और ये देखिए मॉस रोज़ जो वाइट और पिंक शेड में है, और इस पे इतने सारे फ्लावर्स आते रहते हैं इस वैरायटी में। और यहाँ पे है कनेर का प्लांट जिसकी मैंने कटिंग कर दी थी, प्रूनिंग कर दी थी। और कनेर के प्लांट में देखिए ये मैंने समर में कटिंग करी थी और इसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, लेकिन सबसे पहले जब आप न्यूली लगाते हो तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन जब आप इसकी कटिंग करती हो तो इसे बढ़ने में बहुत वक्त लग जाता है। तो आगे से मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी यानी ऊपर ऊपर की। और ये देखिए इसके सीड्स पॉस इठे में इसे मैं नहीं रखूँगी क्योंकि इसका कोई काम नहीं, सिर से पौधा तैयार होने में बहुत वक्त लग जाएगा और इजीली कटिंग से तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ से एयर लेयरिंग कुछ कहते हैं तो उस तरह की भी मैं कुछ अलग यानी एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यानी पौधे पर ही कटिंग कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। और यह है नागचंपा का प्लांट देखिए, और यहाँ पे गुलाब के फूल खिले हैं और जो देसी गुलाब है, और इसमें तो 12 महीने फ्लावरिंग थी, लेकिन ये कुछ मेरा इग्नोर सा प्लांट है तो इसे देखिए मैंने कटिंग करी थी और बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। कुछ ऐसे आवाज़ें आ रही थी, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि घर पे काम छूट रहे हैं। और यह है रेड बर्लेरिया का प्लांट, तो इसके देखिए बहुत सारे सीड्स यहाँ पर गिर गए थे तो छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, तो कुछ पौधों को तो मैंने रिपोर्ट कर दिया था और मुझे पौधे यहाँ पर दिख रहे हैं जब आज सुबह मैंने देखा, तो इसके ये रेड कलर के हैं, उसमें मेरे पास 4 कलर भी हो गए हैं। और ये देखिए छोटे छोटे वही जो सीड्स थे तो उसको मैंने यानी अलग पॉट में शिफ्ट कर दिया, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये है पर्पल वाला बर्लेरिया, मैंने कहा था ना मुझे इसका नाम बिल्कुल भी लेना नहीं, अभी ये मैंने सारे पौधे लगा लिए हैं और फिर आप नहीं बाद में कहिएगा कि आपने मुझे बताया नहीं, तो अभी मैंने इसकी पिंचिंग शुरू कर दी है और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। तो ऐसे बहुत सारे वाइट, पर्पल और बेबी पिंक और रेड, ऐसे मेरे पास ये 4 कलर हो गए हैं। और ये कुछ नज़ारा दूर से मेरे पर्सलेन का, मेरे पूरे गार्डन का। देखिए अभी काम चल रहा है एक ही जगह पर, वैसे ही सारे पौधे रखे हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर टेरेस पे यानी सेकंड फ्लोर पे, तो वहाँ का ये नज़ारा है। तो ये देखिए सारे मेरे मॉस रोज, तो ये देखिए ये पर्सलेन है और पॉलिनेटर की वजह से यहाँ पे ये सिर्फ पिंक और येलो मैंने लगाया था और इसके देखिए अलग अलग शेड तैयार हो रहे हैं, तो ये अपने आप हो जाता है। ये इसका कलर नहीं था लेकिन बहुत डार्क रेड और कुछ यूनिक से कलर मुझे मिले हैं। एक प्लांट में मैंने सिर्फ येलो और रेड लगाया था और देखिए इसके बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर मुझे दिख रहे हैं, एक ही प्लांट पर इतनी सारी वैरायटी खिल रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है और आपको बहुत सारे अलग कलर मिल जाते हैं, तो इसे मैं झट से दूसरे पॉट में लगा दूंगी क्योंकि ये वैरायटी कुछ अलग मेरे पास तैयार हो गई है देखिए इस तरह की, तो इसे मैं एक अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरह के ये सारे हैं मेरे, देखिए ये वाले 2 कलर थे, 2 या 3 कलर थे, रेड पिंक ऐसा कुछ था इसमें।
और बहुत सारे अलग कलर तैयार हो चुके हैं। और ये मैरीगोल्ड का प्लांट, तो ये मेरे पास देखिए 5 प्लांट थे, तो इसके मैंने ऊपर वाली जो टिप्स थी वो यानी इसकी पिंचिंग की थी तो वो भी मैंने यहाँ वहाँ लगा दी थी, तो इसके मेरे पास 10-20 प्लांट तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से यानी नर्सरी से आप 1-2 प्लांट ला सकते हो और मैरीगोल्ड के बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हो। तो और ऐसी कुछ पत्तों पर आपको कुछ डिसीज दिखती है तो इस पत्ते को आप फौरन काट दें, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये पूरे पौधे को घेर लेती है और आपका पौधा धीरे धीरे पूरा डाई हो जाता है। तो इस तरह वक्त रहते ही आप इसके जो पत्ते होते हैं वो वहाँ से निकाल दीजिए, जैसे इफेक्टेड एरिया दिखता है तो वहीं से आप उसे कट कर दीजिएगा। तो इस तरह से इस प्लांट को आप बचा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लगा दी है मैंने कुछ, इसी तरह से मैं यहाँ वहाँ सारे पॉट में लगा दूँगी। तो ये है कुछ आज की संडे गार्डन ओवरव्यू का वीडियो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।